हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। ये क्वेश्चन मई 19 और जनवरी 20 में 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। तो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम पीएन जंक्शन यानी क्या वो समझ लेते हैं। तो अगर आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को अगर आप कनेक्ट करोगे तब दोनों जो सेमीकंडक्टर है वो एक बाउंड्री से एक दूसरे से अलग होंगे। जो बाउंड्री है जो पी टाइप और एन टाइप को सेपरेट करती है एक दूसरे से, उसे हम पी एन जंक्शन बोल देंगे। तो आप क्या लिखोगे, द बाउंड्री सेपरेट्स पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी एन जंक्शन। जब आपने पी टाइप और एन टाइप को कनेक्ट किया, दोनों सेमीकंडक्टर कनेक्ट किया, तब जो डिवाइस बन के आया वो डिवाइस को हम बोल देंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड यानी क्या, बाय कनेक्टिंग पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रिपेयर्ड डिवाइस इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, अब हमें पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, जिससे करके एक होल फ्री में आता है, जिससे करके पी टाइप जो सेमीकंडक्टर में है उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ये इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। उसी तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जिससे करके एक इलेक्ट्रॉन फ्री में मिलता है, जिससे करके एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो हमारे होल बन जाएंगे। ठीक है, अब दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये जो जंक्शन है उसके पास जो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट लाइन में और पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट लाइन में, उसके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा। कैसा इंटरेक्शन, होल यानी पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। तो होल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, जिससे करके एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है वो पीएन जंक्शन को क्रॉस करके होल के पास चला जाएगा और डिफ्यूज हो जाएगा यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां भी ये एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन को क्रॉस करके होल के पास चला गया, न्यूट्रल बन गया, एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से ये भी एलिमिनेट हो गया, इसी तरीके से ये भी एलिमिनेट हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा पीएन जंक्शन है उसको जब क्रॉस करता है तब उसका मोमेंटरी मोशन होता है, थोड़ा सा मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के थोड़े से मोशन की वजह से क्या होगा, कुछ करंट बनेगा। क्यों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी करंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये होल इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, जिससे करके ये इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन क्रॉस करके होल के पास जा रहा है, जिसकी वजह से मोमेंटरी मोशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से मोमेंटरी करंट बन रहा है। ये मोमेंटरी करंट को हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट यानी क्या, मोमेंटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स डिफ्यूजन करंट। अब यहां पे डिफ्यूजन तो हो गया यानी न्यूट्रल तो बन गए, तो मैं बोल सकता हूं ये जो हमारी लेयर है, ये जो लेयर है हमारी, यहां पे सारी न्यूट्रल चीजें हैं, यानी यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि यहां पे अब शॉर्टेज ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो ये लेयर यहां पे मैंने कुछ ऐसे बना के रखी है, यहां पे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ चार्ज रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन होल के साथ डिफ्यूज हो गए, न्यूट्रल बन गए, न्यूट्रल बन गए यानी यहां पे शॉर्टेज ऑफ चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये जो लेयर है जिसमें शॉर्टेज ऑफ चार्ज है यानी कोई चार्ज नहीं है, उससे हम बोलेंगे डिप्लेशन लेयर। तो ये डिप्लेशन लेयर यानी क्या, सच लेयर वेयर शॉर्टेज ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ड्यू टू दी डिफ्यूजन प्रोसेस। अब डिफ्यूजन प्रोसेस यानी क्या, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें डिफ्यूजन करंट बनता है उसे डिफ्यूजन प्रोसेस बोलेंगे। तो डिफ्यूजन प्रोसेस मीन्स व्हाट, द प्रोसेस इन विच डिफ्यूजन करंट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अच्छा, अब ये डिप्लेशन लेयर तो बन गया, डी जितना इसका हम थिकनेस कंसिडर कर रहे हैं, अब आगे क्या होगा वो देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वहां से एक नेगेटिव चार्ज चला गया। अगर नेगेटिव चार्ज चला गया तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। जैसे कि आपके पास सपोज एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी यानी उसके पास चार पॉजिटिव चार्ज, चार नेगेटिव चार्ज है, उसमें से अगर चार नेगेटिव चार्ज निकल जाए तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरीके से यहां से अगर पॉजिटिव चार्ज
निकल जाए न्यूट्रल हो जाए, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से आपको पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है हमें पता है, प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ये आप ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल में पढ़ के आए हो कि अगर डी डिस्टेंस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा वी इक्वल टू ई इंटू डी के बराबर। ठीक है, अच्छा अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लग रही है इसकी वजह से क्या होगा ये देख लेते हैं। अब ये जो एन टाइप में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेंगे, यानी यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, और होल पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ ये डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिप्लेशन लेयर क्रॉस करके होल के साथ डिफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब जब पीएन जंक्शन था तब ही डिस्टेंस कम था इसलिए डिफ्यूजन होता था और डिप्लेशन लेयर बनती थी, जब डिस्टेंस बढ़ गया तब होल के पास इतना एट्रैक्टिव फोर्स नहीं कि इलेक्ट्रॉन को खींच सके, या इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं कि होल के पास जा सके और डिफ्यूज हो सके। ये फर्स्ट रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और होल पे ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसलिए ये जो सेकंड लाइन के होल और इलेक्ट्रॉन है ये डिफ्यूज एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये इसकी वजह से जो पोटेंशियल बना वो पोटेंशियल करंट के फ्लो को अपोज करेगा। क्यों करंट के फ्लो को अपोज करेगा? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन है यहां कुछ पोटेंशियल क्रिएट हुआ V, ये पोटेंशियल ये इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं जाने देगा, इसका मतलब ये पोटेंशियल करंट के फ्लो को अपोज करेगा, करंट को एक बैरियर देगा, एक रुकावट दे देगा, जिससे करके डिप्लेशन लेयर में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसे हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं जो करंट को अपोज करता है। तो पोटेंशियल बैरियर यहां लिख के रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन डिप्लेशन लेयर क्रिएट्स पोटेंशियल V अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल टू E इनटू D, दिस पोटेंशियल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट सो इट इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। तो यहां पे पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है सिलिकॉन के लिए वो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है और जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। इसका मतलब क्या, सपोज आपके पास यहां पे सिलिकॉन का ये पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, अब ये पीएन जंक्शन डायोड में से आपको करंट फ्लो कराना है और आपने यूज करी बैटरी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी यूज करी। ठीक है, इतनी बैटरी यूज करी तो क्या लगता है करंट फ्लो होगा? करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका पोटेंशियल बैरियर है, जो ये जो बैटरी है उसमें से जो करंट निकलेगा उसे अपोज करेगी। इसका मतलब हमें जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है सिलिकॉन का उससे ज्यादा पोटेंशियल वाली बैटरी लगानी पड़ेगी, यानी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज अज्यूम करते हैं कि यहां पे पोटेंशियल बैरियर 5 वोल्ट के बराबर है और आप इसे कुछ 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हो तो करंट फ्लो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल सपोज करते हैं ये डायरेक्शन में लग रहा है और 2 वोल्ट की बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये डायरेक्शन में, यहां पे 5 है यहां पे 2 है। ठीक है, यानी ये अभी भी ज्यादा है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपको कितने वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी? आपको इसका जो पोटेंशियल बैरियर है 5 वोल्ट उससे ज्यादा, यानी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बैटरी लगाओगे तो ये यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इसमें से ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ये हमारा डिप्लेशन लेयर हो गया डी डिस्टेंस का, ये पॉजिटिव चार्ज यानी यहां पे हायर पोटेंशियल है प्लस है इसलिए, यहां पे नेगेटिव चार्ज यानी लोअर पोटेंशियल है और ये डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से घट रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।